डियर स्टूडेंट, आज हम एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ। यहाँ पर ये एम हमारा एक कॉनकेव मिरर है और सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी हमने इस पे पोल लिया है, पी इज पोल पॉइंट हेयर। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस सी पी विल बी इक्वल्स टू आर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल इज नोन एज आर, और ये लाइन जो है हमारे दिस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल विल बी अवर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ए बी इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रहे हैं। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकल पॉइंट, इसलिए जो डिस्टेंस एफ पी होगी इट इज इक्वल्स टू एफ। अब यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पर ये जो रे है ए बी इज ए पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस होने के कारण एंगल आई एंड आर विल बी स्मॉल और डिस्टेंस एन पी विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पैराएक्सियल एजम्पशन। अब अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो डिस्टेंस एफ एन विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डिस्टेंस एफ पी एंड डिस्टेंस सी एन विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डिस्टेंस सी पी एंड कैन बी कंसिडर्ड एज आर। अब अगर हम देखें यहां पर एंगल आई विल बी इक्वल्स टू आर बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल और ये डिस्टेंस सी बी इज द नॉर्मल टू द पॉइंट है। अब यहां पर अगर हम बात करें इस ट्रायंगल बी एफ एन में तो थीटा यहां पर एक्सटीरियर एंगल है तो थीटा इन दोनों एंगल का सम होगा अल्फा प्लस आर और सी पी एंड ए बी आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं इसलिए अल्फा विल बी इक्वल्स टू आई विल इक्वल्स टू आर। इसलिए इस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू टू आर के इक्वल होगी या टू अल्फा भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रायंगल बी सी एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर टेन अल्फा will be equals to BN upon CN। अब एंगल अल्फा स्मॉल है तो स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा will be approximately equals to अल्फा और डिस्टेंस यहाँ पर CN is equal to CP is equal to R है तो हम अल्फा को लिख सकते हैं BN upon CN यानी BN upon CP, इसको मैं इक्वेशन वन कह लेता हूँ। सिमिलरली tan थीटा किस ट्रायंगल में बी एफ एन tan थीटा विल बी इक्वल्स टू बी एन अपॉन एफ एन। अब थीटा इज आल्सो वेरी स्मॉल तो tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा तो यहां से थीटा जो कि इक्वल्स टू है टू अल्फा, यहां हमने प्रूफ किया है will become equals to BN upon BN upon FP और FP distance is focal length F, तो हम यहाँ इसको कह लेते हैं equation 2। अब अगर हम equation 1 से alpha की value को यहाँ put कर दें तो 2 और अल्फा की वैल्यू है बी एन अपॉन सी पी विल बी इक्वल्स टू बी एन अपॉन एफ, तो एफ की वैल्यू आ गई सी पी बाई 2 और सी पी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, इट इज द डिजायर्ड रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव। यही रिलेशन हमें इस डेरिवेशन में चाहिए था। डियर स्टूडेंट, अब हम डेरिवेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिजल्ट हमारा सेम आना है जैसे कि हमने
कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ किया तो वही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा, f की वैल्यू r बाई टू के इक्वल आएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये कॉन्वेक्स मिरर m है और इसका सेंट्रो कर्वेचर डिफाइन है c। अब पॉइंट p पोल हो गया, अगर हम p और c को ज्वाइन कर दें तो डिस्टेंस सी पी विल बी इक्वल्स टू r। अब एक पैरेलल ले लेते हैं ए बी, विच इज इंसिडेंट पैरेलली टू द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट मूव्स लाइक दिस। और अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उसी को हम फोकल पॉइंट एफ कहेंगे। पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन की प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट को कट करे, अपीयर टू बी कट फील हो, तो वही पॉइंट फोकल लेंथ होता है। तो सी पी डिस्टेंस इज आर, देन द डिस्टेंस पी एफ विल बी इक्वल्स टू एफ। अब यहां पर ए बी हमारी पैराएक्सियल रेज है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो पैराएक्सियल रेज होने के कारण एंगल आई आर स्मॉल होंगे और डिस्टेंस पी एन विल आल्सो बी स्मॉल एज द रेज आर पैराएक्सियल। इसलिए वी कैन से दैट द डिस्टेंस पी एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डिस्टेंस एफ एन एंड डिस्टेंस सी एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डिस्टेंस सी पी जो कि आर के इक्वल है। अब अगर हम ट्रायंगल एफ बी सी लें तो थीटा एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा की वैल्यू होगी अल्फा प्लस आर। अब ए बी लाइन इस पैरेलल टू पी सी, इसलिए अगर हम यहां पर इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करके देखें तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू आई, और आई और आर भी एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। इसलिए हम वी कैन से डैट कि थीटा की वैल्यू टू आर के इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल बी एन सी, तो टेन अल्फा स्मॉल एंगल के लिए इक्वल्स टू अल्फा विल बी इक्वल्स टू बी एन अपॉन सी एन, यानी अल्फा कैन बी अप्रोक्स रिटन एस बी एन अपॉन सी पी एस सी पी एंड सी एन आर इक्वल, यानी इट कैन बी रिटन एस बी एन बाई आर। सिमिलरली टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा विल बी इक्वल्स टू बी एन अपॉन एफ एन। अब इस बार हमने जो ट्रायंगल यूज़ किया वो यूज़ किया बी एन एफ ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से हम थीटा जो कि इक्वल्स टू टू अल्फा है, क्योंकि आर इज इक्वल टू अल्फा है और आई की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू आर, तो थीटा इक्वल्स टू टू आर कैन आल्सो बी रिटन एज टू अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू टू अल्फा विल बी इक्वल्स टू बी एन बाई एफ पी, क्योंकि एफ एन की वैल्यू एफ पी के इक्वल है, यानी इट कैन बी रिटन एज बी एन अपॉन एफ, डिस्टेंस एफ पी इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ गए, वन एंड टू। अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो टू बी एन बाई आर, अब हम इक्वेशन वन और टू को यूज़ कर रहे हैं, तो टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू बी एन बाई आर इज इक्वल टू बी एन बाई एफ। इसको सिंप्लीफाई करें, बी एन दोनों से एलिमिनेट हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। दिस रिलेशन होल्ड फॉर बोथ आइदर फॉर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।